आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ने लगे हैं कि ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिसमें ये बताया गया है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, कोई भी रिच और पुअर की बना पर आगे कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डाइसी ने प्रेजेंट किया था रूल ऑफ लॉ को, उसके ऑपोजिट एक आपको डिफरेंस के तौर पे ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का क्वेश्चन भी आ जाता है। ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में एक वफाकी मोहतसब का अदारा है और उसके तहत अगर पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट्स आती है या पब्लिक सर्वेंट का प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट, रोल ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इस हवाले से ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस में एक अदारा है जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये रूल ऑफ लॉ के साथ डिफरेंस में आ सकता है। ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ अ फ्रेंच लीगल सिस्टम विच कैन बी डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड विच रेगुलेट द रिलेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विद अ सिटीजन ऑफ स्टेट। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लॉ ऑफ फ्रांस एडमिनिस्ट्रेट बाई कौंसिल डी अटैट बाई विच ऑफिशियल्स आर ट्राइड फॉर एक्ट्स डन इन ऑफिशियल कैपेसिटी। मीनिंग ऑफ ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्राइड इन फ्रांस लॉ मीन्स राइट, जस्टिस, इक्विटी, द होल बॉडी ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंड इन इक्विलेंस विद वर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव विच मीन्स रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका 1302 से एक्सट्रैक्ट होता है और 13th सेंचुरी में इसको एप्लीकेबल बनाया गया। इसमें यह होता है कि जब गवर्नमेंट के सर्वेंट और सिटीजन के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये अदारा उसको रेगुलेट करेगा, और इसमें यह कहा गया कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है ना इसमें मुदाखलत नहीं करेंगी। बाकी इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, नॉन ज्यूरिस्ट्रिक्शन में सिविल कोर्ट्स या ऑर्डिनरी कोर्ट्स की जो ज्यूरिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद ये फॉर्मुलेट करेंगे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है ज्यूरिस्ट्रिक्शन के हवाले से तो इस बात का फैसला ट्रिब्यूनल कोर्ट करेगी, और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑर्डिनरी कोर्ट्स के कंट्रोल से प्रोटेक्शन प्रिविलेज दी गई है, और इसे एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में सबसे सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, ठीक है। उसमें ये है कि कॉमन लॉ सिस्टम हमारे पास एक प्रोसीजर अवेलेबल है, उसके ऑपोजिट में फ्रांस सिस्टम एक्सपीडिशियस इनएक्सपेसिव रिलीफ के कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, या अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ही ना, यहाँ तो ये रूल ऑफ लॉ में ही आ जाएगा या फिर इस पे नोट आएगा? हाँ जी, ऐसे ही है, रूल ऑफ लॉ के साथ ही ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, अलहदा तो नहीं आया अभी तक, ठीक है ना। इसीलिए आप इतना मटेरियल लिख लें 3-4 हेडिंग्स में कि ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव भी बयान कर सकें, सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है रिट ज्यूरिस्डिक्शन का। एलएलबी पार्ट टू में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाई कोर्ट की एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है, इसकी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन भी कहते हैं और इसे प्रीरोगेटिव रिट्स भी कहते हैं। पहले वक्तों में जब बादशाह कोई हुक्मनामा जारी करता था या अदालत किसी को हुक्म जारी करती है तो उसे रिट्स का नाम देते हैं। तो आर्टिकल 199 के तहत आप हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव सफिशिएंट रेमेडी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेवलपमेंट पाकिस्तान में इस तरह से हुई है कि पहले रेगुलेशन एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता, बंगाल और मद्रास में ये अख्तियार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। उसके बाद जो उस टाइम का जो CRPC है उसके तहत भी हेबियस कॉर्पस की प्रोविजन ऐड कर दी गई, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो अमेंडेड एक्ट है 1954 का, उसमें भी रिट्स को इंक्लूड किया गया। उसी के साथ सेम पैटर्न पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1962 और 1973 में प्रिवेलेंट सिचुएशन में हमारे पास ये प्रोविजन आर्टिकल 184 और 199 की सूरत में मिलती है। अब किन के खिलाफ रिट इशू की जा सकती है? जितने भी स्टेट फंक्शनरीज हैं उन सब के खिलाफ की जा सकती है। 5 रिटें हैं, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सरशुरारी, प्रोहिबिशन एंड कॉवरंटो, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब मना कर दिया जाता है आप ये काम नहीं कर सकते। इसमें लोकस टंडाई, मतलब इसको फाइल कौन कर सकता है, कोई एग्री पर्सन कर सकता है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन में डायरेक्शन इशू की जाती है कि जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड जो मामलात को अदा कर रहा है उसे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है कि ये आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद सरशुरारी का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। सरशुरारी की जो पटिशन है एग्री पर्सन दायर करेगा, और सरशुरारी में ये डायरेक्शन दी जाती है कि क्योंकि बाय लॉ आपने ये काम नहीं किया, इलीगल अनऑथराइज वे में काम किया, इसलिए आपके काम को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद हेबियस कॉर्पस आता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी को प्रोड्यूस किया जाए, मतलब अगर कोई इलीगल डिटेंशन में है तो उसको रिकवर करने के लिए आप हेबियस कॉर्पस की रिट दायर करेंगे। ठीक है, इस हवाले से सीआरपीसी में प्रोविजन है सेक्शन 100 एंड 491। ये कोई भी बंदा कर सकता है क्योंकि जो एग्री पर्सन होता है वो तो खुद ही डिटेंशन में होता है, तो उसको रिकवर कराने के लिए हेबियस कॉर्पस की पटिशन दायर की जा सकती है। उसके बाद रिट आती है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब ये होता है कि ये चैलेंज किया जाता है कि किस अथॉरिटी के तहत आपने ये पोस्ट संभाली है, तो उसके तहत उसकी वो अगर कोई इलीगल भर्ती हुई होती है ना तो उसको चैलेंज किया जाता है, तो ये भी कोई भी फाइल कर सकते हैं। अगली रिट है रिट ऑफ मैंडमस। मैंडमस का मतलब है कि बाय लॉ जो ऑथराइज है ना, जिस काम का करना ज़रूरी है उसका हुक्म दिया जाता है। अमूमन जब फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात आती है ना तो रिट ऑफ मैंडमस इशू की जाती है। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ है सबको? काइंडली मैसेज कर दें फिर आगे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन थे जो आपके पेपर के हवाले से काफ़ी हैं, और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबको क्लियर है। उसके बाद हम इसके सेकेंड पोर्शन पर आते हैं जो कि सर्विस मैटर से रिलेटेड हैं। उसमें सबसे पहले आज हम अपील का प्रोसीजर पढ़ेंगे। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का जो अदारा है, अब उसे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है जो आर्टिकल 212 के तहत है। इसमें यह होता है कि जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में ऑर्डर्स पास होते हैं ना उसके खिलाफ अगर आप एग्रीव्ड हो तो उसकी अपील्स पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल के तहत सुनी जाती है, इस अदारे में सुनी जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया जो है सर्विस ट्रिब्यूनल रूल्स 1975 में बताया गया है, 5 से लेकर 22 तक। अपील में ये होता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स में आपको ये लगता है कि कोई करेक्शन होने वाली है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए ना आप ऊपर वाले फॉरम पे जाओगे। ठीक है, इसको हम अपील कहते हैं। अब कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है कि वो अपील फाइल कर सकता है? कोई भी एग्रीव सिविल सर्वेंट। अपील दायर करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इन पर्सन पेश हो जाओ या आपका एडवोकेट पेश हो जाए या डाक रजिस्ट्री के जरिए आप पटिशन फाइल करें। उसके जो रेक्विजिट्स हैं रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, पैराग्राफ्स में डिवाइड होनी चाहिए, एफिडेविट अटैच होना चाहिए, कोर्ट फीस लगी हो, सही है। उसके बाद उसमें पार्टी की डिस्क्रिप्शन होगी, क्या रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट साथ अनेक्स होंगे। अब प्रोसीजर में ये होता है कि सबसे पहले स्क्रूटिनाइजेशन कंडक्ट की जाती है, मतलब वेरिफिकेशन कंडक्ट की जाती है रजिस्ट्रार की तरफ से। केस को रजिस्टर किया जाता है, डेट फिक्स होती है हेयरिंग के लिए, फिर तमाम पार्टीज़ को नोटिस दिया जाता है एपिलांट और रिस्पोंडेंट्स को, और सिक्योरिटी भी फर्निश की जाती है एपिलांट की तरफ से जो खर्चा वगैरह आना है। अच्छा, कौन से मामले आते हैं जो आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं? उनमें आ जाता है रिमूवल, सीनियोरिटी, पेमेंट ऑफ अलाउंस, मिसकंडक्ट, सस्पेंशन, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट, ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। कौन से सरकमस्टांसिस में आप अपील दायर नहीं कर सकते पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में? जब कोई ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड हैं। ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिनमें रिस्ट्रिक्टेड है कि आप अपील फाइल नहीं कर सकते। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंक्वायरी प्रोसीजर। इंक्वायरी प्रोसीजर में ये होता है कि जब आपके खिलाफ कंप्लेन वसूल होती है कि आपने इलीगल कोई काम किया है, सबवर्जन किया है, करप्शन की है, मिसकंडक्ट की है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। इस हवाले से एक ऑथराइज ऑफिसर होगा जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। ठीक है, अब प्रोसीडिंग्स को कैसे इनिशिएट किया जा सकता है? या तो अस्खुद नोटिस लिया जाए, या कोई इन्फॉर्मेशन वसूल हुई है, या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आई है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं। ठीक है, इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? सस्पेंड किया जा सकता है, लीव दी जा सकती है, लीव की सस्पेंशन जो है उसको आपकी छुट्टी को मतलब ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो सुओ मोटो एक्शन ले लिया जाए या इंक्वायरी कमिट की जाए। तो अगर सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है तो उसमें अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको ग्राउंड्स मेंशन किए जाते हैं, शो कॉज नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन सबमिट होती हैं अक्यूज की, फिर 7 दिन के अंदर फर्दर जो भी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है उसके मुताबिक फिर डिसाइड होता है कि चार्ज प्रूव हुआ है या डिसप्रूव हुआ है। उसमें फिर पेनल्टीज, माइनर पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं, मेजर पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं, और इसमें यह है कि काउंसिल की तरफ से आपकी बिहा पे कोई काउंसिल की अपेयरेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी। और ये है कि 45 डेज में
इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये है कि जब जहाँ पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन होगी उसकी, चार्ज फ्रेम होंगे, जवाब आएगा रिटर्न रिप्लाई की उसकी तरफ से, इंक्वायरी कंडक्ट होगी, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और एक्सप्लेनेशन सबमिट करने में नाकाम होता है तो रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी ऑथराइज ऑफिसर को, फिर उस पर फाइनल डिटरमिनेशन होगी। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लें, लास्ट क्वेश्चन रह गया है। बाकी सबको क्लियर है? कोई और बोल नहीं रहा? अच्छा, एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं। हाँ, ये पेनल्टीज वाला भी एक क्वेश्चन करना था, उसके बाद ये ठीक है। अच्छा, अब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जब ये साबित हो जाता है कि इसने मिसकंडक्ट किया है, अटेम्प्ट दिया है, करप्शन किया है, इनएफिशिएंसी हुई है इसके काम में, या सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, तो अब हम सवाल ये है कि पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत कौन सी सजाएं दी जा सकती हैं। इस हवाले से रूल 3 और 4 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइडेड है, जिसके ग्राउंड्स ये हैं, इनएफिशिएंसी, मिसकंडक्ट, करप्शन, एंगेजमेंट इन सस्पेक्टेड और सबवर्सिव एक्टिविटीज़। दो तरह की पेनल्टीज़ हैं, मेजर पेनल्टीज़ एंड माइनर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टीज़ में ये कि जैसे कि लोएस्ट ग्रेड पे आपको रिडक्शन दे दी गई, नीचे वाली पोस्ट पे दोबारा भेज दिया गया, लॉस रिकवर करने का हुक्म दे दिया है, कंपल्सरी रिटायरमेंट का हुक्म दिया गया है, सर्विस रिमूव कर दिया गया है, डिसमिसल दे दिया गया है, तो ये मेजर पेनल्टीज़ में से है, इसको आपने एक एक लाइन में से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद माइनर पेनल्टीज़ में सेंशोर, डांट डपट करना, वार्निंग दे देना, प्रमोशन रोक देना, इंक्रीमेंट को रोक देना, एफिशिएंसी बार में स्टॉप कर दिया, और फर्दर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। और इस तरह की पेनल्टी इम्पोज करने के लिए सबसे पहले आपको सुना जाएगा, शो कॉज नोटिस होगा, और फिर फैसला किया जाएगा। ठीक है, अब आपका ये कम्प्लीट हो गया, अब आप बोल सकते हैं।